महाराज के आने का समय हुआ है, चाहे कोई भी हो बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए। कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं, सबको आगे आना होगा। आओ, इसके बाद तुम। बंदी बना लो, बंदी बना लो इसे। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो, यही महिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं, तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका महिष्मति जैसा बड़ा नाम, छी। देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता, एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है, धिक्कार है। देख लिया महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही है तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज, देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आई, तभी आपके आने का समय हो गया था तो मैंने उनसे कहा कि वो मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज। अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है। माँ, चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सब के लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका। Come on!